जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है और 22 भाग हैं। उसी के अनुसार हम आप लोगों को 1 से लेकर 130 तक आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए साथियों, और आज की क्लास में हम आप लोगों को अनुच्छेद 131 बताएंगे। इसमें क्या क्या है आप लोग जरा देखिए। इसमें कहता है कि उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, उच्चतम न्यायालय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो इसका जो अधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, इसी के बारे में आज हम आप लोगों को एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, जरा थोड़ा ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और इस अनुच्छेद को थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद को थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिए। इसमें कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है वह कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जब कोई विवाद संघ सरकार, संघ सरकार कहने का मतलब होता है केंद्र सरकार तथा कोई राज्य सरकार के बीच में हो, यानी जब कोई विवाद यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार में, जैसे कि आप ले सकते हैं झारखंड ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, कोई भी राज्य हो, उस राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वहां पर उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाता है। उस समय उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार वो अंदर में आ जाता है। आप अगर उसको अगर न्यायालय में ले जाना चाहते हैं तो वो कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग इसका विवाद को ले जा सकते हैं। आगे देखिए, इसका बी नंबर है कि जब कोई विवाद संघ सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में भी हो जाए। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार हो, यानी आप मान लीजिए केंद्र सरकार है, उसके बाद भी अगर झारखंड बिहार एक साथ दो राज्य के साथ विवाद हो जाए तो भी आप इस मामला को कहाँ ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, वहीं पर सुनवाई होगा। हाई कोर्ट में कभी सुनवाई नहीं होगा इस मामले के बारे में। ये उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। आगे देखिए, इसमें कहता है कि जब कोई विवाद, और है सी नंबर, जब कोई विवाद दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में हो जाए। अब मान लीजिए केंद्र सरकार नहीं है लेकिन दो राज्य के बीच में हो गया, मान लीजिए बिहार और झारखंड और उड़ीसा और तमिलनाडु, ये दोनों के बीच में, यानी दो दो के बीच में अगर युद्ध हो गया है, कोई विवाद हो गया है, कोई मामला हो गया है, तो भी जो मामला है वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी उच्चतम न्यायालय में जाएगा। ये सब क्षेत्राधिकार किसका है, उच्चतम न्यायालय का है। और इस प्रकार के समस्त विवादों को प्रारंभिक रूप में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में किए जाएंगे। समझ में आ गया, जितने भी विवाद होंगे सभी को होंगे, सब सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होंगे और उच्चतम न्यायालय के अंदर में होगा। ये आप लोगों का अनुच्छेद 131 बोल रहा है। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, 1 से लेकर 130 तक एक एक करके अनुच्छेद बताया जा रहा है, एक एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप लोगों को अच्छा समझाया जा रहा है। ऐसा क्लास कभी कोई यूट्यूब में नहीं लिया गया है, फिर भी हम आप लोगों को ले रहे हैं आप लोग समक्ष। और आप लोग जितना हो सकते हैं सभी को इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये सारी वीडियो पहुँच सके। तब तक के लिए फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के अनुच्छेद लेकर। बाय बाय।